हे गाइस, वेलकम बैक और गुड इवनिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आप भी जो है एफर्ट लीजिए। यूट्यूब पे अननेसेसरी चीज़ें देखने से अच्छा है जो जो मैं क्वेश्चन पुटअप करता हूँ आपके लिए, क्वेश्चन जो भी मैं आपके लिए डालता हूँ तो उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए आप। देखिए, हो सकता है आंसर गलत हो सही हो, इस चीज़ पर आपको ध्यान नहीं देना है, ये ध्यान देना है कि आपने आंसर दिया है या नहीं दिया है, ठीक है? तो एक सेकेंड, ये शायद कुछ हो गया। हाँ, तो देखिए आज जो क्वेश्चन पूछे, मैं सोचा उसका आंसर्स आपको बता देता हूँ, किन किन लोगों ने जो आंसर दिए हैं, और काफ़ी कम लोग जो है अभी आंसर दे रहे हैं। देखिए, 7, 8, 10 क्वेश्चन आप रोज़ अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कुछ ऐसा नहीं कि खतरनाक क्वेश्चन मैंने पूछ लिया आपसे, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो कोशिश कीजिए उनको आंसर देने की। देखिए, तो मैं कोशिश करूंगा आज से जो 8-10 क्वेश्चन पूछूंगा, और मैं कोशिश करूंगा अभी देखिए एक एक जो 1 तारीख से जो है, 1 या 2 2-3 दिन में जो है करंट अफेयर हम हरियाणा का स्टार्ट करें, क्योंकि हरियाणा का एग्जाम आ रहा है। उसके बाद जो है यूपीएससी के रोज 10-10 क्वेश्चन पोस्ट हुआ करेंगे, और शाम को मैं अगर मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन मैंने पोस्ट किए थे, जो लोग मिस कर गए हैं इसमें वो भी इस पर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है? देखिए, अभी मैंने 2 घंटे पहले क्वेश्चन जो है एक पूछा था, ये था फ्रेश वाटर डॉल्फिन। ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन स्पीसीज कैन नॉट बी अवेलेबल एट विच लोकेशन। जो फ्रेश वाटर जो डॉल्फिन है वो एक्चुअली 4 जगह ही मिलती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, 4 जगह ही उसकी लोकेशन पाई जाती है। एक तो अपना गंगेटिक एरिया। अब देखिए ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि गंगेटिक जो एरिया है, जो अपना सुंदरबन एरिया है, सुंदरबन बंगाल वाला, तो वहाँ पर जो है सैलिनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और तो इसी कारण क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो है डॉल्फिन की जो पॉपुलेशन एक तरह से वो कम होती जा रही है, ठीक है? तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे। तो गंगेटिक एरिया में तो है, और ये येन येन तेजी रिवर जो चाइना में है वहाँ पे भी आपको फ्रेश वाटर डॉल्फिन मिलेगी, इंडस वाटर जो है वहाँ पे भी मिलेगी, अमेजन रिवर, ठीक है? अमेजन रिवर कहाँ पे, साउथ अमेरिका में, ब्राजील में, वहाँ भी मिलेगी। उसके अलावा जो नील रिवर है, नील नदी जो है, यहाँ पे कोई भी फ्रेश वाटर डॉल्फिन स्पीसीज नहीं दिखाई देती। तो वर्ल्ड की 4 ही जगह है गंगेटिक जो रीजन है हमारा, गंगा वाला, ये तेंजी रिवर, इंडस इंडस रिवर जो है, और अमेजन रिवर, ठीक है? तो आंसर जो है इसका आंसर क्या होगा, जहां पे नहीं मिलती वो है नील रिवर। तो देखिए काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने सही आंसर इसका दिया है, ये देखिए सबने जो है सही आंसर दिया है इसका, और जिसका आंसर ठीक होता है तो मैं उसको लाइक भी कर देता हूँ, और ये जो ये बटन होता है हार्ट वाला, ये भी मैं दबा देता हूँ, इससे आप समझ लीजिए कि आपका आंसर ठीक है, ठीक है? उसके अलावा मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा, ये भी 2 घंटे पहले ही पूछा था मैंने, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में मैंने पूछा, ठीक है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये किस कैटेगरी में आता है? देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि राजस्थान में मोस्टली इसकी पॉपुलेशन पाई जाती है, और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इसकी बहुत कम पॉपुलेशन में रह गई है, यानी कि ऐसा माना जाता है 150 के करीब जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बच गए हैं, तो उसी की प्रिजर्वेशन करने के लिए जो है गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही है। और ये किस कैटेगरी में आता है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। देखिए, इतनी कम पॉपुलेशन है तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड ही होगा, आप समझ सकते हैं इतनी सी बात, तो समझ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो आंसर जो है काफ़ी लोगों ने इसमें भी सही दिया है, ठीक है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक इंसान ने इसका तो आंसर दिया, विकास पोकले, ठीक है? इन्होंने सही आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि देखिए CO2 एमिटर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो ग्लोबली सबसे ज्यादा एमिट कौन करता है, और दूसरे नंबर पे कौन आता है। एक्चुअली क्वेश्चन था दूसरे नंबर का, तो देखिए 4 ऑप्शन थे, चाइना, US, इंडिया, रशिया। ये देखिए एक सीक्वेंस है, सबसे ज्यादा चाइना जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो, अब देखिए आपको हो सकता है ये क्वेश्चन लगे कि प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन आप मेंस में ये चीज डाल सकते हैं, कहीं भी एनवायरनमेंट की बात आए तो आप कोट कर सकते हैं कि जो लार्जेस्ट जो सबसे ज्यादा एमिटर है वो चाइना है, तो चाइना US को जो है इसके खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहिए, ठीक है? इंडिया को भी एक्शन लेना चाहिए क्योंकि इंडिया 3rd नंबर पर आता है। तो क्वेश्चन हमारा कौन था, क्या था, कौन 2nd नंबर पे आता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबली एमिट करने में? तो आंसर जो है नंबर 1 पे चाइना आता है, दूसरे पे US, तो आंसर इसका US होगा, और इंडिया 3rd पे आता है। एक्चुअली यूरोपियन यूनियन को देखें तो यूरोपियन यूनियन 3rd नंबर पे आता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन में काफ़ी कंट्रीज आ गई, 27-28 कंट्रीज हैं, तो इसलिए उसको अलग से ही देखेंगे हम। 3rd पे इंडिया और 4th पे रशिया, ठीक है? तो इसका भी जो है काफ़ी लोगों ने जो है सही आंसर दिया था, जितने भी लोगों ने आंसर दिया वो सही ही दिया इसका, ठीक है? देखिए मैंने बता भी दिया आपको, USA जो है वो 15% जो है एमिट करता है, और चाइना 27%, यानी कि 1/4 से ज़्यादा तो चाइना ही एमिट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए एक यहाँ पे तेजस चौहान ने गलत आंसर दिया, उन्होंने आंसर सही दिया लेकिन उन्होंने बोला 50% ऑफ द वर्ल्ड, US 50% नहीं करता, US सिर्फ 15% करता है, ठीक है? मैंने यहाँ पर करेक्ट भी कर दिया, मैं बिल्कुल आपके आंसर्स को देखता हूँ, लेकिन आप जो है थोड़ा सा सीरियस लीजिए इस चीज़ को। उसके बाद क्वेश्चन पूछा, चैंग E-4 मिशन जो है चाइना ने किस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए जो है लॉन्च किया था? तो आंसर इसका है मून, ठीक है? आपको मैंने पढ़ाई ये चीज कि मून का जो
दूसरा वाला एंड है, ठीक है, फार एंड जिसको डार्क साइड बोलते हैं, वहां पे जो है चैंग E4 लॉन्च किया है और ये जो है वहां पे जाएगा और वहां पे जो है एक्सप्लोर करेगा चीजों को। तो आंसर इसका क्या है, मून, ठीक है, मार्स नहीं है। और ये भी 7-8 लोगों ने कमेंट किया इस पे और सभी ने जो है आंसर सही दिया इसका, ठीक है। ये निलंजना डे ने भी आंसर दिया है, तन्नू तमन्ना सभी ने, यानी कि आंसर सही दिया है इसका, डार्क साइड ऑफ मून। यहाँ पे तेजस चौहान ने बिल्कुल सही बात बोली है, तो इनको लाइक करना बनता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा देखिए क्वेश्चन मैंने पूछा था अग्नि 5 की रेंज कितनी है, ठीक है, अग्नि 5 मिसाइल जो है उसकी रेंज कितनी है, ये मैंने पूछी थी। और ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि यार कितना एब्सर्ड क्वेश्चन है, हो सकता है आपको लग सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है यूपीएससी में आया हुआ है, ठीक है, यूपीएससी में डायरेक्ट ये पूछा हुआ है। दो तीन स्टेटमेंट दी थी, उसमें एक ये स्टेटमेंट भी थी कि रेंज कितनी है अग्नि 5 की। तो आंसर है इसका 5000 किलोमीटर, ठीक है, अग्नि अग्नि 5 की रेंज कितनी है, 5000 किलोमीटर। तो ये भी मैंने आपको आंसर जो है बता दिया था यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, ये भी काफी लोगों ने जो है सही आंसर दिया, सभी ने एक्चुअली में सही आंसर दिया है, ठीक है। तो ये जो मैं दोनों टिक करता हूँ इसका मतलब कि आपका आंसर सही है। सुबह मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, देखिए अभी ये महाराष्ट्र पीसीएस हुआ है, लास्ट संडे को एग्जाम हुआ है महाराष्ट्र का, और उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिलीनियम डेवलपमेंट गोल। तो देखिए आपको पता होना चाहिए सस्टेनेबल गोल जो है 18 है, ठीक है, और मिलीनियम डेवलपमेंट गोल कितने हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है 8। अभी आपको लगेगा कौन सा आंसर, आंसर तो देखिए इसका मैंने बता दिया आपको, एंश्योर एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी, ये इसका आंसर है, यानी कि ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में नहीं आता और सभी जो है गोल में आते हैं। इसके साथ साथ मैंने एक और चीज आपको बताई, देखिए आप अगर मेरा टेलीग्राम फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको सारे जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे वो सारे जो है मैंने वहां पर फॉरवर्ड कर दिए। देखिए मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं पढ़ते हुए साथ साथ 7-8 घंटे लाइब्रेरी में मेरे जाते हैं, तो उस टाइम जो भी मुझे क्वेश्चन अच्छा मिलता है आपके लिए मैं डालता रहता हूँ और आप के आंसर्स भी देखता रहता हूं और जो है उसको मैं कमेंट भी करता रहता हूं, ठीक है। तो देखिए आठ जो चीजें हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल वो आपको याद होनी चाहिए, जैसे ये है इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, उसके बाद है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टैलिटी, इंप्रूव मैटरनल हेल्थ, कॉम्बैट एचआईवी एड्स, एंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यहाँ पे एनवायरमेंट है देखिए एग्रीकल्चर नहीं है, और लास्ट है आपका ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, जो इनको रट लीजिए जो 18 गोल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ठीक है। और ये भी जो है सभी लोगों ने सही आंसर दिया, मैंने सभी को जो है अभी इन्होंने लेट ही आंसर दिया था तो मैं इसको इनको शायद क्लिक नहीं कर पाया, ठीक है। इसके अलावा फिर सुबह ये था और कल के जो क्वेश्चन पूछे थे वो भी जो है आपको आंसर देने चाहिए थे, ये कल के लास्ट क्वेश्चन था। तो ऐसे जो मैं 8-10 क्वेश्चन आपके लिए बनाऊंगा उनको जो मैं है रोज आपको बताता रहूंगा कि कौन कौन से आप जो है आंसर ठीक है। कल ये रात को लास्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे मैंने, ये देखिए एक सेकेंड, ये पूछा था कि यूनाइटेड नेशन ने अभी असेंबली ने प्रोक्लेम किया है कि 2019 जो है इंटरनेशनल ईयर होगा, किस चीज का होगा, तो आंसर यही है देखिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजेनस लैंग्वेज। तो आज के लिए इतना ही सेशन है, ये 8-9 क्वेश्चन जितने मैं बता रहा हूँ अभी, देखिए 1 तारीख से हम कोशिश करेंगे हरियाणा के, और बीच बीच में जो है हरियाणा के साथ साथ जो है और भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करता रहूंगा। तो इन क्वेश्चनों को चीजों को याद रखिए और ये क्वेश्चन ये चीजें आपके मेंस में काम आएंगी, जब आप आंसर लिख रहे होंगे एनवायरनमेंट से रिगार्डिंग जब आंसर लिखेंगे तो आपको ये चीज काम आएंगी, ठीक है। तो हर चीज काम आएगी, तो बिल्कुल मिस नहीं करनी आपको चीजें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और कोशिश करूंगा देखिए अभी जो हरियाणा की एक वीडियो जो है महेंद्रगढ़ की अगर बन गई तो आज अपलोड करूंगा, अदरवाइज कल तक तो बन ही जाएगी, ठीक है। चलिए फिर, बाय, टेक केयर।